हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज ना हम एक नया अपडेट लेके आए हैं यूट्यूब का, जो आपको जल्दी देखने को मिलेगा यूट्यूब पे। और हाँ, ये फेक नहीं है, ये सच्ची बात है। हाँ, सच में 2000 घंटे के वॉच टाइम में आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है। हाँ, चलिए जानते हैं, देखो पूरा वीडियो, पसंद आया तो लाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे, ठीक है। पहले से बात करते हैं, इसमें क्या क्या मिलेगा आपको। आपको 2000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना पड़ेगा लास्ट के 12th मंथ में। 4000 घंटे के लिए भी लास्ट 12th मंथ में होता है वैसे ही, लेकिन इसमें है ना आपको सब्सक्राइबर की कोई वो नहीं चाहिए। 0 हो, 10 हो, 20 हो, 100 हो, 1000 होने ज़रूरी नहीं है, मतलब कितने भी हो सब्सक्राइबर काउंट नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ना, आपके चैनल में वैसे ही होना चाहिए जैसे पहले होता था ना, मतलब होता है जो नॉर्मल होता है, कि आपके चैनल पर कोई कम स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़ और होगी, अगर आप इस कैटेगरी से जाते हैं तो YouTube आपके चैनल को खुद ही बूस्ट कर देगा हर सर्च के अंदर। आपके चैनल का वीडियो उस सर्च के अंतर्गत आता है तो, ठीक है। पहली बात, सबको मिलेगा या नहीं? जी हाँ दोस्तों, ये सबके लिए नहीं है। अभी YouTube सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि ये कैसा, मतलब इसका रिस्पांस होगा क्या, मतलब इस करना सही होगा या नहीं। सिलेक्टिव कैटेगरी है एक, मतलब पहली है बोले तो हेल्थ, स्वास्थ्य रिलेटिव जो भी वीडियो बनाता है या हेल्थ से रिलेटेड, उन्हीं के लिए है, अभी और किसी के नहीं। हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, चलिए जानते हैं फिर इसकी क्या क्या एजिलिटी है। पहली बात तो ये है कि आप हेल्थ केयर या हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बनाते होंगे, तो मतलब अपडेट आपके ही लिए है। लेकिन हाँ, इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखना पड़ेगा। जैसे इसमें एक फॉर्म दिया जाएगा YouTube की तरफ से, जो आपको फिल करना पड़ेगा, और अब सर्टिफिकेट होंगे जो उस पोस्ट या उस चीज़ को वेरीफाइड करता होगा, वो लगाने पड़ेंगे। हाँ, लगाने के बाद आपको है ना वेट करना पड़ेगा मोनेटाइजेशन का, जैसे YouTube खुद वेरीफाइड करेगा कि आपने जो लगाया है क्या नहीं। उसके लिए शायद आपको 1-2 महीने का टाइम बता रहा है अभी, ये देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि वो ले सकता है, उनमें भी जल्दी हो जाएगा, देर से होगा अगर आप जेन्युइन हैं तो, ठीक है। उसके अलावा YouTube है ना आपको एक टैग दे देगा स्पेशल, जैसे आइडेंटिटी कार्ड या कुछ क्विक टिक मार्क जैसा होता है ना YouTube ट्विटर वगैरह पर, वैसे ही कि मतलब हाँ ये भैया यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन के एक रजिस्टर्ड डॉक्टर, फिजिशियन या एक साइकेट्रिस्ट, कुछ भी मतलब होते हैं ना, डाइटिशियन वगैरह, वो हैं तो आप विश्वास कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें कुछ रूल्स भी होंगे, ऐसा नहीं कि आप रील्स में कॉमेडी सॉन्ग डांस वगैरह कर रहे हो, आपकी क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड ही होनी चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं इस वाले, तो आपको एक पैच मिल जाएगा ना कि आप ये ऑर्गेनाइजेशन के ये रजिस्टर्ड हों, तो YouTube आपको खुद ही मतलब आपके चैनल को ग्रो करेगा हर सर्च के अंदर। उसके अलावा एक फैसिलिटी भी मिल जाएगी, आप चाहें जैसे कि ऑनलाइन कॉल और तुरंत ही मतलब उनसे बात भी कर सकते हैं और चैट भी कर सकते हैं, जैसे वो क्रिएटर यूज़ करना चाहे, मतलब वो चाहे तो चैट के लिए वो आपको परमिशन दे दिया, कॉल के लिए, वो उसके ऊपर डिपेंडेड है, वो आप कर सकते हैं। इसके लिए अभी कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह की चार्ज नहीं कर रहा है, अभी फ़िलहाल ये फर्स्ट मोड है, तो अभी देखते हैं कैसा क्या होता है, अभी फ़िलहाल ज़्यादा डिटेल भी नहीं दी गई है। लेकिन भाई एक चीज़ और है, YouTube एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है ना, तो कोई डॉक्टर है, फिजिशियन, डाइटिशियन है या साइकेट्रिस्ट है, जो भी है ना, तो आपको थोड़ा देखना है, क्योंकि डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो एक फ़ीस लेता है, या फिर हम लोग बैठते हैं तो मतलब वो रहता है कि मतलब हाँ ये मतलब उसके जो भी प्रिस्क्रिप्शन होते हैं वो लिख के देता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो इंडिपेंडेंट है, तो मिल तो जाएगा, लेकिन वो आपको वहाँ फ्री में यहाँ पे देगा सब चीज़ें, तो थोड़ा आपको अपनी समझ रखनी है। और हाँ, सेकेंड ओपिनियन आप इस जरूर ले सकते हैं, मेरा ये मानना है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा अपनी हेल्थ के ऊपर, कुछ ज़्यादा ही एक्सपेरिमेंट मत कर लीजिएगा। एक्सरसाइज के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं बॉडी बनाने के लिए, तो आप देखिएगा बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें, तो जैसे जैसे आएगा तो हो सकता है कि नई चीज़ें देखने को मिलें और उसका कुछ वो भी
सॉल्यूशन भी निकलेगा, ऐसा नहीं है। डॉक्टर फिजिन वैसे ऐसे तो उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो वीडियो बैक के वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिर भी हाँ कुछ लोग कर लेते हैं टाइम निकाल के। तो देखना है आपको, थोड़ा आपका ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। यार आते हो वीडियो पर देखना तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। हम ना आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आते रहते हैं, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो यार थोड़ा इंकरेज करो हम लोग को भी, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।